नमस्कार, आज हम लोग बात करने वाले हैं नानात्मज विकार के बारे में। क्या होता है नानात्मज विकार, उसके बारे में जानेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, वात नानात्मज विकार पढ़ना है, पित्त नानात्मज विकार पढ़ना है और कफ नानात्मज विकार पढ़ना है। तो नानात्मज विकार को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि विकार क्या होते हैं, है ना। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, चरक संहिता के सूत्र स्थान का 20वां चैप्टर, अर्थात जो संहिता अध्ययन का सेकंड जो है, अर्थात सेकंड प्रॉप का जो ये सिलेबस है चरक संहिता का, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो नानात्मज विकार, तो विकार की हम लोग देखते हैं, विकार दो प्रकार के होते हैं। विकार क्या होते हैं, विकार मतलब रोग या डिजीज, विकार क्या होते हैं, रोग या डिजीज होते हैं, है ना। डिस ईज, है ना, ईज मतलब होता है कंफर्टेबल, ईज का मतलब होता है कंफर्टेबल, लेकिन डिस का मतलब कि कंफर्टेबल स्टेज से आप अगर अलग हो जाएंगे तो वही बीमारी है, दिस इज, है ना, रोग वही से कहते हैं। इसका मतलब कि जो रोग होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य जो विकार होते हैं, सामान्य जो रोग होते हैं, एक नानात्मज रोग होते हैं, है ना। तो सामान्य जो रोग क्या होते हैं, सामान्य रोग का कारण क्या है और नानात्मक रोग का कारण क्या है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ देख रहे होंगे हम लोग यहाँ कारण की बात कर रहे हैं, दोनों के कारणों को जब हम लोग जान लेंगे तब हम लोग को डिफरेंशिएट इजीली हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे जो सामान्य विकार होते हैं, सा विकार मतलब सामान्य विकार के जो कारण है, सामान्य जो रोग होंगे वो किन किन कारणों से होंगे, तो ये किसी एक दोष से, अर्थात वात या वात से या पित्त से या कफ से, या मतलब द्वंद्वज दोष से होंगे, द्वंद्वज का मतलब हो जाएगा या वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, इस तरह से दो दो दोषों के मिलने से हो जाएंगे, या सन्निपात से, या तीनों वात पित्त कफ के मिलने से होंगे, या अभिघात जन्य, मतलब ये तो या तो एक्सटर्नल काज कोई हो सकता है, तो इंटरनल काज में वात पित्त कफ हो जाएगा और एक्सटर्नल काज में कोई भी कारण हो सकता है। तो ये सामान्य रोग होते हैं। सामान्य रोगों की बात करें तो हम लोगों ने इसका वर्णन कहाँ पर किया गया था, चरक ने सूत्र स्थान के 19वें चैप्टर के अष्ट उदरीय अध्याय में बात किया था। सामान्य रोगों की संख्या बताई थी 48, कितनी बताई थी, 48, 48 बताई है। और ये तो हो गया सामान्य विकार। अब यहाँ पर देखेंगे नानात्मज विकार, नानात्मज विकार होता है, तो नानात्मज जो शब्द है उसको जान लीजिए, फिर उसके बाद कारण जानते हैं। तो न न आत्मज, ये जो बना है नानात्मज का मतलब क्या होता है, न न आत्मज, है ना, न न आत्मज, नहीं नहीं आत्मज, आत्मज का मतलब सिर्फ अपने ही कारण से जो बना हो, अपने ही कारण से। तो आत्मज दोष कौन से होते हैं, वात पित्त कफ, आत्मज जो दोष होते हैं क्या होते हैं, वात पित्त कफ, जो केवल या वात से या केवल पित्त से या केवल कफ के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उसे हम लोग न न आत्मज अर्थात ननात्मज कहते हैं। यहाँ पर दो बार न न कहने का मतलब जोर दे के कहना है, जोर दे रहा है कि ये जो रोग होंगे या तो केवल वात से होंगे या केवल पित्त से होंगे या केवल कफजन रोग होंगे, उसे हम लोग नानात्मज रोग कहेंगे। तो यहाँ देखिए नानात्मज विकार या नानात्मज रोग होते हैं केवल वातजन या केवल पित्तजन या केवल कफजन्य होते हैं। अगर वात नानात्मज विकार है तो उसमें पित्त का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कफ दोष का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसी तरह से अगर पित्त नानात्मज विकार या रोग है तो उसमें वात दोष और कफ दोष का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर कफ नानात्मज विकार है तो उसमें वात और पित्त दोष का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, इसलिए हो गया न न आत्मज, अर्थात एक दोष का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो कोई दूसरा या तीसरा दोष का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इसलिए बोला गया न न आत्मज। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि नानात्मज रोग का वर्णन की बात करते हैं, तो ये रेफरेंस की बात करते हैं ना, रेफरेंस कौन कौन आचार्यों ने दिया है, तो रेफरेंस की बात करेंगे। तो रेफरेंस में देखेंगे सबसे पहले चरक ने बताया है, काश्यप ने बोला है, भेल ने बोला है, चरक काश्य भेल अष्टांग संग्रह, और चरक काश्य भेल अष्टांग संग्रह और शारंगर, ठीक है ना, ये कुछ आचार्य हैं जिन्होंने नानात्मज रोगों का वर्णन किया है। चरक काश्यप भेल अष्टांग संग्रह और सारंगधर ने नानात्मज व्याधियों का वर्णन किया है। अब बात करते हैं संख्या की, नानात्मज रोगों की संख्या, जो नानात्मज रोग होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है उसके बारे में देखेंगे। तो इसकी संख्या आप जहां भी पाएंगे 140 पाएंगे, कितनी, 140 कैसे, तो इसमें इसको तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है।
तो 140 है संख्या, इसका मतलब कि जो 80 होते, 80 40 20, 80 जो है वात नानात्मक विकार होते हैं, 40 जो है पित्त नानात्मक विकार होते हैं, और जो 20 होते हैं कफ नानात्मक विकार होते हैं। ये तो बात चरक काष्य भेल अष्टांग संग्रह बोली है, लेकिन शारंगधर ने जो नानात्मक रोगों में उन्होंने रक्त नानात्मक रोगों को भी बताया है, तो शारंगधर के अकॉर्डिंग जो शारंगधर है आचार्य है उनके हिसाब से जो नानात्मक रोगों की संख्या कितनी होती है, 150 हो गई, 150, जिसमें हम लोगों ने ये ऑलरेडी तो बताया है कि वात नानात्मक जो है 80 हो जाएगा, पित्त वाला जो है पित्त नानात्मक 40 हो जाएगा, और कफ नानात्मक 20 हो जाएगा। उन्होंने ये 140 प्लस 10 जो है रक्त नानात्मक रोग की बात की है, नानात्मक रोग की बात की है, तो इस तरह से ये संख्या कितनी हो जाती है, 150 हो जाती है। तो ये तो यहां तक तो बात थी रेफरेंस की, है ना। ये अब आ गया कि नानात्मक विकार हो गया, अब आइए डिटेल में नानात्मक रोगों की बात करते हैं, ठीक है ना। तो नानात्मक रोगों को हम लोग देखेंगे, तो यहां पर नानात्मक रोग मुख्यतः चरक के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो चरक ने क्या बताया है, वात नानात्मक रोग, चरक की हम लोग बात करते हैं, चरक चरक ने नानात्मक रोगों का वर्णन कहाँ किया है, किस चैप्टर में किया है, तो रेफरेंस देख लेते हैं। रेफरेंस क्या है, रेफरेंस देखेंगे सबसे पहले, तो चरक सूत्र स्थान का जो 20वां चैप्टर है, सूत्र स्थान का 20वां चैप्टर अर्थात महारोगाध्याय, महारोगाध्याय है ना, महारोगाध्याय के अंतर्गत नानात्मक विकार का वर्णन किया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कौन कौन से रोग होंगे जो कि वात नानात्मक होंगे। तो यहां पर देखेंगे, ये तो बात हो गई कि इन्होंने यहां पर इसके अंतर्गत किया है। अब इन्होंने तीन कैटेगरी बताई है नानात्मक विकार के, तीन कैटेगरी बताई, इसकी संख्या उन्होंने कितनी मानी है, 140 मानी है, 140 मानी है टोटल नानात्मक विकार। इसको तीन पार्ट में कैटेगराइज किया है, कैसे, जैसे कि ऑलरेडी बता चुके हैं, वात नानात्मक, पित्त नानात्मक और कफ नानात्मक, ठीक है ना। ये तीनों हो गया, तो वात नानात्मक रोगों की संख्या कितनी होती है, 80 होती है, पित्त नानात्मक रोगों की संख्या कितनी होती है, 40 होती है, और कफ नानात्मक रोगों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। तो ये आपके एक इन जनरल हो गया। अब आइए एक एक करके बात कर लेते हैं कि जो वात नानात्मक रोग है, वात नानात्मक जो रोग है उनके कुछ नाम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो नाम देखेंगे तो यहां पर हम लोग के नाम जो है, गृध्रषि उरुस्तम उदावर्त, गृध्रषि को हम लोग क्या बोलते हैं, शियाटिका भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शियाटिका बोलते हैं। गृध्रषि उरुस्तम और उदावर्त, गृध्रषि है, उरुस्तम है, उदावर्त है, उसके अलावा देखेंगे अर्दित बाधिर तिमिर, अर्दित जिसको हम लोग फेसियल पैरालिसिस एफ भी बोलते हैं, बाधिर देखेंगे, बाधिर और तिमिर, तिमिर तो बाधिर मतलब डिफनेस होता है, और तिमिर का मतलब है कैटरेक्ट, कैटरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कैटरेक्ट जो आई डिजीज होती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग सेकेंड नंबर पे पित्त नानात्मक विकार की बात करेंगे, तो पित्त नानात्मक विकार की बात करेंगे, पित्त नानात्मक जो विकार होते हैं उसका कुछ नाम देख लेते हैं। तो यहां पर देख रहे होंगे पित्त नानात्मक में रक्त पित्त कामला पूतिमुख, रक्त पित्त कामला पूतिमुख, रक्त पित्त कामला पित्तमुख, तृष्णाधिक जीवादान तम प्रवेश, ये बीमारियां होती है जो कि पित्त नानात्मक व्याधि होती है। अब आइए बात करते हैं तीसरे नंबर पे जो है कफ नानात्मक विकार, कफ
नानात्मज जो विकार है, ठीक है, इसकी संख्या कितनी बताई है, 20 बताई गई है। तो इसमें हम कुछ नाम ऐड कर लेते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे तृप्ति तंद्रा निद्रादीप, क्या क्या चीजें हैं, तृप्ति तंद्रा निद्रा निद्रादीप। उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं, धमनी प्रतिचय उदर्द, धमनी प्रतिचय अर्थात जो एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जो बड़ी बड़ी आर्टरियों में जो फैट टिश्यू जमा हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना, जो हृदय रोगों का कारण होता है। उसके बाद देखेंगे उदर्द, उदर्द, उदर्द को क्या बोलते हैं, अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया। उसको देखेंगे अतिस्थौल, अतिस्थौल, बहुत ज्यादा मोटापा हो जाएगा तो कफ की वजह से होता है, और गलगंड। लास्ट में देखेंगे गलगंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्वाइटर, ग्वाइटर, है ना, आप घेंघा रोग जिसको बोलते हैं। अब यहां पर आपने एक चीज देखा कि जो सामान्य विकार था और नानात्मिक विकार है, नानात्मिक विकार का कारण केवल वात होगा या केवल पित्त होगा, केवल कफ। सामान्य विकार में बोला गया है कि इसका कारण या तो केवल वात हो सकता है, केवल पित्त हो सकता है, केवल कफ हो सकता है। जब ये बात आएगी कि एकल दोष की वजह से होगा, तो इसका मतलब कि कुछ ऐसे रोग होंगे जो नानात्मक विकार भी होंगे और सामान्य विकार दोनों कॉमन होंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने यहाँ देखा है जो गृध्रसी है, गृध्रसी अर्थात सियाटिका, उरुस्तंभ और उदावर, ये तीन व्याधियां जो है ये वात नानात्मज के साथ साथ सामान्य व्याधि भी है। तो ये सब क्या है, ये जो है वात नानात्मज, वात नानात्मज प्लस सामान्यज दोनों है, अर्थात गृध्रसी उरुस्तंभ उदावर, ये वात नानात्मज के साथ साथ जो है सामान्य व्याधि भी है। उसी के साथ साथ देखेंगे जो पित्त नानात्मज व्याधि बताई गई है, इसमें देखेंगे रक्त पित्त कामला, ये दो व्याधियां ऐसी हैं, रक्त पित्त और कामला, ये दोनों जो है पित्त नानात्मज के साथ साथ सामान्य व्याधि भी है, अर्थात ये सामान्य व्याधि भी काउंट की जाती है, क्योंकि ओनली पित्त की वजह से हो रहा है, तो ये इसमें पित्त कामला पित्त रक्त पित्त भी होता है। तो इस तरह से हम लोग का ये जो लेक्चर था ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।